हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 91 पे दिया है वो सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पे फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द दयानंद लाइब्रेरी अम्बाजोगाई का दिया हुआ है। अम्बाजोगाई का यहाँ पे अम्बाजोगाई का दयानंद लाइब्रेरी का हमको रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का बनाना है आपको 2020 का। तो मतलब 1 अप्रैल 2019 की जो बैलेंस शीट है वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। तो यहाँ से हमको कुछ अमाउंट्स कंपेयर करने होंगे और कुछ जो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है और कैपिटल फंड है वो एज इट इज हम है ना न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे हम उनको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एंड बैलेंस शीट भी आपको न्यू बैलेंस शीट भी बनाने बोला है। तो लेट्स सी बैलेंस शीट जो ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप पाते हो तो एक कैपिटल फंड आपको एज इट इज उठा के नए बैलेंस शीट में भी इनर कॉलम में लिख लेना है। बाद में ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ये नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर मतलब ये 2019 की बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो ये 2020 का है। तो हम देखें इसको क्या करेंगे, हमको एड करना पड़ेगा 2020 की जो इनकम एक्सपेंडिचर हम बनाएंगे और इनकम के अंडर में हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे वहां पे हम 3000 को ऐड करेंगे, इसका इफेक्ट ये दिखाना है हमको। फिर नेक्स्ट ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2000 का, ये हम चेक करेंगे कि हमको करंट ईयर के रिसेप्शन पेमेंट्स में इसका पेमेंट हुआ है क्या, ये जो आउटस्टैंडिंग है वो पेमेंट हमने कर दिया है क्या। अगर कर दिया है, अगर 2000 है और पूरा का पूरा क्लियर है तो वेल एंड गुड, अगर कुछ बाकी है तो फिर हम देखेंगे आगे हम अमाउंट्स चेक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एसेट साइड में आपको फर्नीचर दिया है, इसको आप एसेट्स के अंडर में लिख लोगे। बुक्स दिया है, लाइब्रेरी के लिए बुक्स एसेट्स होता है, आप एसेट्स में लिख लोगे। देन स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैंप, ये है ना आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये है ना क्लोजिंग स्टॉक, तो ये है ना 2019 के लिए, 2020 के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैंप होएगा। तो ये है ना हमको जो अगर न्यू परचेसेस हुआ है पोस्टेज स्टैंप का और ये ओपनिंग है तो हम ऐड ये ओपनिंग प्लस न्यू परचेसेस करेंगे, फिर बाद में हमको क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो वो माइनस करके हम कंज्यूम्ड करंट ईयर जो 2020 का करंट ईयर का निकाल लेंगे और है ना इसका हम वहां पे यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। देन हमने दिया इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया तो ये फर्म ने क्या किया, इन्वेस्ट किया है, अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर इसका हमको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को हमको एसेट्स होता है इसलिए इसको हम एसेट्स के अंडर में शो करेंगे। अभी ये कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये है ना आपका 2019 का है, हमारे 2020 में बैलेंस शीट में नहीं आने वाला है ये, इसका हमको कोई काम नहीं है तो ये अमाउंट हम यहां से कैंसिल ही उठाने वाले नहीं। अब देखते हैं रिसेप्शन पेमेंट्स में क्या क्या दिया। अभी आप रिसेप्शन पेमेंट्स में आते हो तो सबसे टॉप में यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रिसिप्ट के अंदर में आपको दिया हुआ है कैश कैश एंड बैंक, ये आपके काम का नहीं है, आपको ये नहीं चाहिए, ये अमाउंट हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया टू मेंबर्स मेंबर सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे मेंबर सब्सक्रिप्शन मतलब करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ, 1,80,000 रिसीव हुआ है ऐसा बोला है। तो ये 1,80,000 में आप ये जो 3,000 का जो रिसीव्ड इन एडवांस है वो भी ऐड कर दोगे, ठीक है, ये भी आपको ऐड कर देना है रिसीव्ड इन एडवांस करके। ये वाला जो अमाउंट बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में दिया हुआ है मतलब ये करंट ईयर का था जो है ना पिछले साल ही एडवांस में मिल गया था, तो इसका इफेक्ट आपको इस तरीके से दिखाना है। फिर आपको बोला है यहाँ पे एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस को आप कहाँ पे लिखोगे, इनकम के अंडर में लिखोगे। सेल ऑफ न्यू ओल्ड न्यूज पेपर इनकम के अंडर में लिखोगे। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, ये हायर किया आपका लेक्चर हॉल और ये रिसिप्ट के अंडर में मतलब आपने रिसीव किया ये अमाउंट तो इसको भी इनकम के अंडर में लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इसको भी आप इनकम के अंडर में लिखोगे। एंड टू लाइफ मेंबरशिप मेंबर्स फीस, तो यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस है उसको भी आप इनर कॉलम में लिखोगे। 10,000 को आप इसमें किस में लिखोगे, इसको इनकम के अंडर में लिख दोगे। अगर इसको कैपिटलाइज करने बोला तो फिर हम कैपिटलाइज करेंगे, हम देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रीड दिया हुआ है उसके हिसाब से भी हम जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ सैलरीज, सैलरीज पेमेंट्स के अंडर में दिया है, आपने पेमेंट किया है तो आप टू सैलरीज करके लिखने वाले हो। फिर ये परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, मैंने जैसे कहा था कि लास्ट ओपनिंग जो ओपनिंग यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग होगा, ये ओपनिंग 500 प्लस ये 1,500 परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प करना है हमको, ऐड करना है, फिर उसमें से क्लोजिंग माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट में दिया होगा, आगे देखते हैं क्या दिया। फिर यहाँ पे बुक्स का परचेस्ड का बोला तो मतलब नए बुक्स भी खरीदे गए, तो यहाँ पे बुक्स के अंदर हम ये जो बुक 6,50,500 का दिया उसमें हम ये जो दिया हुआ नया परचेसेस है 1,00,000 का वो भी हम क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं।
और फिर उसके बाद में है ना इनके डेप्रिसिएशन भी हमको सेपरेट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला जो परचेसेस है वो 1 अक्टूबर 2019 को हुआ, मतलब 6 महीने पहले ही हुआ है क्लोजिंग के, ये जो बैलेंस शीट बनाने के 6 महीने पहले, तो 6 महीने का इस पे डेप्रिसिएशन 1 लाख पे आएगा, तो हमको सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बोला देखिए बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड 2000, तो मैंने आपसे कहा था देखिए ओल्ड बैलेंस शीट से आपको कंपेयर करना है, यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2000 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बोला है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड बोला है 2000, तो मतलब पूरा का पूरा क्लियर हो गया, जो आउटस्टैंडिंग है वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया है, रफा दफा हो गया अमाउंट, तो मतलब यहां से ये अमाउंट हट जाएगा, आपको बैलेंस शीट में दोबारा इसको दिखाने की, ये वाले अमाउंट को दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, आप सोचोगे कितने कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं है, डोंट वरी, बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस से आ ही जाने वाला है। देन इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये आपका एसेट्स के अंडर में आप दिखाओगे, क्योंकि ये नया आपने डिपॉजिट लिया है, फिक्स डिपॉजिट खरीदा है, इन्वेस्टमेंट किया है उसमें, तो एसेट है। फर्नीचर, फर्नीचर भी देखिए नया खरीदा है, जुलाई में खरीदा है, मतलब 9 महीने का हमको इस पे डेप्रिसिएशन अगर बोला है तो कैलकुलेट करना होगा, डेट का यही यूज होता है, डेट को ध्यान में रखते हुए आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये एडिशनल फर्नीचर हुआ, ये एसेट्स के अंदर में जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये एक्सपेंसेस के अंदर में आएगा आपका। फिर उसके बाद में आपको रेंट दिया है, ये भी आपका एक्सपेंडिचर के अंदर में आने वाला है 18,000। बाद में आपको बाय बैलेंस करेक्ट डाउन दिया, कैश एंड बैंक का बैलेंस दिया, तो ये दोनों के दोनों बैलेंस आपके नए बैलेंस शीट जो आप बनाओगे उसके अंदर में आप 9,543,000 आप शो करने वाले हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, एडजस्टमेंट में बोला है कि डिप्रिशिएट और डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स, तो बुक्स पे आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बुक्स है ना, नए परचेसेस भी हुए और न्यू परचेसेस पे यहाँ पे आपको डेट दी है 1 अक्टूबर 2019, तो मतलब ये 6 महीना का, इसके ऊपर अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2020 तक 6 महीना था, इस पे 6 महीने का कैलकुलेट करना होगा हमको 10%, और बाकी का बचा हुआ जो ऊपर है ओल्ड बैलेंस शीट में जो पहले से बुक्स पढ़े हैं उनके ऊपर हमको फुल ईयर का कैलकुलेट करना होगा। और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का हम कहां दिखाएंगे, हम इसका एक्सपेंडिचर्स के अंदर में शो करेंगे, तो टोटल हमको है ना डेप्रिसिएशन दिखाना है ओल्ड बुक्स पे एंड नए परचेसेस पे, जो टोटल जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आपका एक्सपेंडिचर के अंदर में आएगा। नेक्स्ट सेकेंड आपको बोला डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8.5% का आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे भी वही कहानी है, आपका ये जो है ना 1 जुलाई को खरीदा, तो जुलाई टू लेकर 31 मार्च तक आपका 9 मंथ्स होते, तो 9 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 30,000 पे, और पुराने वाले फर्नीचर पे जो आपका एसेट्स के अंदर में यहाँ पे दिया हुआ है 50,000, उस पे फुल ईयर का हमको 8.5% का कैलकुलेट करना है। ये वर्किंग नोट में मैं आपको दिखाऊंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इसका सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस के अंदर में आएगा, तो इस तरीके से सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा कवर अप हो गया। अभी आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे, यहाँ पे बोला कि 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस, 50% एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप शुड बी कैपिटलाइज, मतलब पूरा का पूरा लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करने बोला, तो मतलब इसको हम जो कैपिटल लाइफ मेंबरशिप फीस 10,000 दिया है, इसको पूरा का पूरा कैपिटल फंड में एड कर देंगे, और ये जो एंट्रेंस फीस है इसको इनर कॉलम में हम लिखेंगे, इसका 50% हमको कैपिटलाइज करना है, मतलब हम इसका 15,000 है हम नेट आउटर कॉलम में दिखाएंगे इनकम के अंदर में, बाकी का 15,000 हम कैपिटलाइज्ड किया है करके हम इसको कैपिटल फंड में एड करेंगे। फिर नेक्स्ट हमको दिया लाइब्रेरी है 2000 मेंबर्स, अरे 2000 मेंबर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लाइब्रेरी के कितने, ये भी देखो समझने वाली बात है, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, शायद आप बोलोगे मीन्स अलग है, वैसे अलग नहीं है, इजी है, लाइब्रेरी के 2000 मेंबर्स है। अब 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन, वो है ना सब्सक्रिप्शन उन्होंने लाइब्रेरी का लाइब्रेरी को सब्सक्राइब किया, वो लोग पेमेंट करते हैं मिनिमल चार्जेस 100 रुपीज, हर एक बंदा कितना देता है 100 रुपया देता है लाइब्रेरी के चार्जेस, हाँ थोड़ा मेंटेनेंस चार्जेस तो देना पड़ता है, तो 100 रुपीज देता है, तो 2000 × 100 मतलब 2 लाख रुपया सब्सक्रिप्शन का आना चाहिए करंट ईयर में। ये वाला एडजस्टमेंट आपको मैं सॉल्व करते हुए टाइम पे फिर से दिखाऊंगी कि 2 लाख का आना चाहिए, और यहाँ पे मेंबर्स सब्सक्रिप्शन 1,80,000 दिखा रहा है, रिसिप्ट हुआ हुआ और एडवांस में रिसीव हुआ हुआ 3,000 दिखा रहा है, तो मतलब 1,83,000 ही आया, तो बाकी का बचा हुआ जो 17,000 है उसका क्या, तो वो मतलब आपका क्या होना चाहिए, वो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो वो आपका आउटस्टैंडिंग करके आपको उसको शो करना है। डोंट वरी, मैं आपको ये शो करूंगी, बताऊंगी कैसे करना, और उस 17,000 का आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे एसेट्स के अंदर में लिखेंगे, तो हमको इस पे ये एडजस्टमेंट सीखना है ये वाले 2000 वाले मेंबर्स वाले पे, ठीक है, 2000 मेंबर्स इस तरीके से आता है इसमें, तो आपको ये ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट बोला द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प, अनयूज्ड मतलब जो अभी तक आपने यूज
नहीं किए हैं वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये अनयूज मतलब यूज नहीं किया मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स है, तो ये है ना आपको माइनस करना है। आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प प्लस ये जो परचेसेस है वो ऐड करोगे, ये वाला परचेसेस ऐड करोगे और इसमें से माइनस अनयूज्ड करोगे, आउटर कॉलम में नेट में एक्सपेंडिचर के अंडर में आ जाएगा और बाकी का ये जो है ना क्लोजिंग वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज 200 इसको आप क्लोजिंग स्टॉक करके आप इसको नए बैलेंस शीट में भी दिखाओगे। तो इस तरीके से इनके इफेक्ट हमको शो करने हैं। ईजी है, टफ नहीं है, देख के मत डरो, अभी तो शुरुआत की है हमने। सबसे पहले हम बैलेंस शीट के आइटम्स को लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड दिया है, तो कैपिटल फंड को हम यहाँ पर लायबिलिटीज जो न्यू इसमें बैलेंस शीट में भी हमको इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम कैपिटल फंड 7,50,000 इनर कॉलम में इस तरीके से लिख लेंगे। द नेक्स्ट हमको यहाँ पे जो अमाउंट दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये है ना रिसीव्ड इन एडवांस जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है वो करंट ईयर रिलेटेड है, इसके लिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन करंट ईयर रिलेटेड है तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन रीड किया उसके हिसाब से है ना यहाँ पे ज्यादा आना चाहिए था, राइट। तो मेंबर सब्सक्रिप्शन करके हेडिंग देते हैं, फिर उसके अंदर में जो करंट ईयर में रिसीव हो गया वो अमाउंट हम लिखेंगे, फिर वहां पे हम ऐड करेंगे ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये लास्ट ईयर ही मिल गया है जो हमको ओल्ड बैलेंस शीट में दिख गया, ठीक है। रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ये करंट ईयर रिलेटेड था, तो रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर इसका अमाउंट जो दिया है हमको 3000 वो इनर कॉलम में हम इस तरीके से लिख के छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमको दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हम जब इसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पेमेंट्स के अंडर में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के अंडर में हमको एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड 2000 बोला है, तो मतलब ये अमाउंट रफा दफा हो गया यहाँ से, अभी इसको हमको फिर से बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम आते हैं एसेट साइड में, एसेट साइड में जहां पे फर्नीचर दिया हुआ है तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे एसेट्स के अंडर में, जो हमारी नई बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, राइट, तो न्यू बैलेंस शीट में भी हम इसको एसेट्स के अंडर में लिख लेंगे फर्नीचर को, और अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर परचेसेस का इफेक्ट भी आने वाला है। तो यहां पे इस तरीके से फर्नीचर और इनर कॉलम में इसका अमाउंट 50,000 हम लिख लेते हैं, इस तरीके से 50,000 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे बुक्स दिया है, तो बुक्स को भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी परचेसेस का है, अभी यहाँ पे परचेसेस का इफेक्ट आने के बाद में डेप्रिसिएशन का भी आने वाला है, तो इस तरीके से लाइन्स ड्रॉ करके रख लेते हैं, लाइन स्लीप कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों टोटल के बाद में फिर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बुक्स का हम इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेते हैं जो हमको दिया है 6,50,500 इस तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर भी ये डिप्रिसिएशन आने वाला है, नया परचेसेस आने वाला है, तो उस तरीके से हम लाइन स्लीप कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, तो ये है ना ओपनिंग स्टॉक हुआ, तो इसको हमको क्या करना है कि जब हमें ना बैलेंस शीट सॉरी इसमें रिसिप्ट में हम जब रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट के वहां से उठा के जब हम लेके आएंगे जो परचेसेस, वो भी हमको क्या करना पड़ेगा ओपनिंग में ऐड करना पड़ेगा, और हमको है ना करंट ईयर में कंज्यूम्ड हमको फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे टू पोस्टेज हेडिंग दे देते हैं, टू पोस्टेज कंज्यूम्ड लिख देते हैं, पोस्टेज कंज्यूम्ड मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना यूटिलाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक पोस्टेज का कितना है हमारे पास, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ वो ओपनिंग है, तो 500 रुपीज इस तरीके से यहाँ पे लिख के रख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटी, तो ये क्या हुआ, ये एसेट हुआ, ये बिजनेस का क्या हुआ एसेट हुआ, तो इसको हमको एसेट्स के अंडर में क्या करना है, एसेट्स के अंडर में इसको दिखा देना है, जैसे हम अदर एसेट्स दिखाते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज को भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इस तरीके से लिख देंगे और 7000 को आउटर कॉलम में हम शो कर देंगे, इस तरीके से 7000 दिखा दिया हमने। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दिया हुआ है हमको कैश इन हैंड एंड कैशर बैंक, इस वाले जो ओल्ड बैलेंस शीट के कैश इन हैंड एंड कैशर बैंक को हम नहीं लेते हैं, हम फिर जो हमारे पास रिसिप्शन पेमेंट में दिया होता है वो है ना वो भी क्लोजिंग जो कैरी डाउन वाला होता है वो ही लेते हैं, तो इसलिए इस अमाउंट को हम लीव कर देते हैं। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट में, तो उसमें सबसे पहले हम रिसिप्ट को देखते हैं, रिसिप्ट में ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस हमको नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको है ना मेंबर्स सब्सक्रिप्शन दिया है, तो मेंबर्स ने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ मेंबर्स हम लोग को 1,80,000 वो करंट ईयर का हम यहाँ पे
180,000 लिख लेते हैं बाद में। इसके बाद में हमको एंट्रेंस फीस की बात की है, तो ये जो एंट्रेंस फीस है ये हमारा यहाँ पे हमको कुछ एंट्रेंस फीस के बारे में बोला है, एडजस्टमेंट दिया है, इसीलिए इसको हम दो तीन लाइन इसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए लीव करते हैं। फिर यहाँ पे बाय एंट्रेंस फीस मैं इनर कॉलम में लिख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 50% कैपिटलाइज करने बोला है हमको, तो हम एंट्रेंस फीस लिख के और हम क्या करेंगे 15,000 जो दिया है हमको, 30,000 जो दिया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे एंट्रेंस फीस को इनर कॉलम में, क्योंकि 15,000 का इफेक्ट हमारा खाली आउटर में जाने वाला है बाद में। इसके बाद में नेक्स्ट हमको सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिया है, तो उसको भी ये भी एक तरीके से क्या हो गई कि फर्म की इनकम ही हो गई, रेवेन्यू इनकम हो गई, पुराने न्यूज़पेपर बेच के जो रिसीव हुआ है पैसा वो रेवेन्यू इनकम हो गई, तो इसको भी हम क्या करेंगे बाय यहाँ पे लिख लेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओके, ये न्यूज़पेपर को सेल करने के बाद में जो इनकम रिसीव हुई है वो है, तो ये न्यूज़पेपर्स इस तरीके से इसको हम आउटर कॉलम में, इसका जो अमाउंट दिया है हमको 2000 आउटर कॉलम में हम लिख देंगे 2000। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे हायर ऑफ लेक्चर हॉल, तो लेक्चर हॉल को हमने रेंट पे दिया था, मतलब ये रिसिप्ट के अंडर में, मतलब हमने यह है ना, मतलब हम अपने आप को समझ लेते कि ये हमारा ये जो दयानंद लाइब्रेरी वो हमारी है, तो हमने इसको हॉल को किस पे दिया था, रेंट पे दिया था, तो ये हमारी इनकम हुई, इसलिए हम इसको इनकम के अंडर में हायर ऑफ लेक्चर हॉल लिख लेते हैं 10,000 जो रिसीव हुआ है वो हम दिखा देंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो वो भी हम बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को हम 5,000 लिख देंगे, और ये जो अमाउंट है आपके जो 5,000 लिख देंगे, ये जो आपके टेक्स्ट बुक में है ये अमाउंट जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का वो सॉल्यूशन में रॉन्ग दिया हुआ है, वहां पे 10,000 दिया हुआ है जबकि वो 5,000 होना चाहिए, तो इस तरीके से सिक्योरिटीज भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। लाइफ मेंबर्स फीस बोला है यहाँ पे, रेवेन्यू करके मेंशन भी नहीं किया हुआ, और एज वेल एज यहाँ पे हमको ये जो लाइफ मेंबर वाला है रेवेन्यू करके नहीं लिखा है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में हम इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, और इसको वैसे भी यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दिए है उसके अंदर बोला ही है कि ये क्या है कैपिटल फंड में आपको कैपिटलाइज कर लेना है उसको, इसीलिए आप यहाँ पे ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस उसको कैपिटलाइज कर दिया, उसको कैपिटल फंड में यूटिलाइज कर लिया, तो 10,000 इधर इस तरीके से हम दिखा देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमको जो दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस, इतना सब कवर अप हो गया, हम पेमेंट्स के अंडर में आएंगे, तो पेमेंट्स के अंडर में सबसे पहले टॉप में सैलरीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम दो तीन लाइन चार लाइन लीव कर देते हैं, फिर यहाँ पे टू सैलरीज लिख लेते हैं, टू सैलरीज, सैलरीज को आउटर कॉलम में लिख देते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 24,000। देन नेक्स्ट हमको दिया है परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, तो यहाँ पे एड परचेसेस कर देते हैं, हमने ये फॉर्मेट बना के रखा है पोस्टेज को रिलेटेड, तो एड परचेसेस 1,500 यहाँ पे हमने एड में कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है बुक्स को परचेस किया ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे हम एड परचेसेस बुक्स में लिख देते हैं, एड बुक्स परचेस्ड दिया है 1,00,000 रुपीज, तो 1,00,000 रुपीज इस तरीके से लिख लेंगे, तो टोटल आप जब करेंगे तो 7,50,500 आएगा, वो इस तरीके से हम लिख के रख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, वो तो 2,000 वो रफा दफा हो गया अमाउंट, क्योंकि वो है ना ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ था 2,000 आउटस्टैंडिंग करके, लेकिन अभी ये रिसेप्शन पेमेंट जो करंट ईयर की उसमें दिखाई दे रहा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, और वो भी इक्वल अमाउंट का 2,000 आउटस्टैंडिंग था, 2,000 मतलब पूरा रफा दफा हो गया, तो उसका कहीं पे भी इफेक्ट नहीं दिखाना है ना, वो वहां से मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट में हम दिखा भी नहीं रहे उसको। और फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स, मतलब आपने नया इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, ये एसेट एफडी में, तो ये एसेट्स में आएगा, ये क्या हुआ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये एफडी है ना जो आपकी, वो फिक्स्ड एसेट्स हो गए, फिक्स नहीं ये एसेट्स हो गए आपके, एक्चुअली करंट होते हैं 2-4-5 साल कभी भी, इनको 1 साल की 2 साल की डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट है वो 50,000 हम आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर 30,000, यहाँ पे भी एडिशनल परचेस हुआ है, तो एड
परचेस किया है हमने, तो फर्नीचर का 30,000 परचेस किया है, तो टोटल 80,000 का, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को हम कहाँ पे लिखेंगे, एक्सपेंसेस के अंडर में, एक्सपेंडिचर के अंडर में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और जो अमाउंट दिया है उसका आउटर कॉलम में लिख लेते क्योंकि इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 6,000, ठीक है। उसके बाद में दिया रेंट, तो रेंट को टू रेंट करके, ये भी एक्सपेंडिचर है और इस पे भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में 18,000 हम लिख लेंगे इस तरीके से। तो अभी हमारे रिसेप्शन पेमेंट्स कवर अप हो गया, खाली इसमें जो बचा है वो कैश एंड बैंक बचा है, तो ये हम कहाँ पे दिखाएंगे, एसेट्स के अंडर में दिखाएंगे, तो इसको यहाँ पे हम कैश इन हैंड 9,500 एंड कैश एट बैंक हम लिखेंगे 43,000, इनको सम अप करेंगे तो 52,500 आएगा, वो हम आउटर कॉलम में दिखा देते 52,500। तो इस तरीके से सारे हमने ट्रांसफर कर लिए। अभी हम एडजस्टमेंट पे आते हैं, तो डेप्रिसिएशन बुक्स पे, सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बुक्स पे, कहाँ करना है, बुक्स पे। तो डेप्रिसिएशन, ये वर्किंग नोट है आपका, डब्ल्यू एल लिख रही हूँ, वर्किंग डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें है फॉर फुल ईयर, फॉर फुल ईयर, फुल ईयर का आपको कितने, यहाँ पे जो बुक्स का बिगनिंग में जो है बुक्स, वो 6,50,000 आपके पास है, 50,500 मल्टीप्लाई बाय आपको 10/100 करना है, क्योंकि 10% बोला है, एट द रेट ऑफ 10% बोला है, ठीक है। ये फुल ईयर का आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से, तो आपका आ गया 65,050 रुपीज़, ठीक है, 65,050 रुपीज़ आ गया। फिर आपको इसका जो नया जो एडिशनल खरीदा है, एडिशनल के ऊपर भी आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बुक्स के ऊपर, तो पार्ट बी है जो, वो कितने मंथ्स के लिए होगा, वो 6 मंथ्स के लिए, 10% फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का, राइट। अक्टूबर में खरीदा है ये, कब खरीदा है हमने, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, बुक्स को अक्टूबर में खरीदा, राइट। तो जो 1 लाख का जो बुक्स है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 10/100, ये यहाँ है ना आपका जो टैक्स, इसमें पीडीएफ में जो आपको सॉल्यूशन में वर्किंग नोट दिया, वहां पे छोटा सा एरर है कि इसको है ना 10,000 दिखाया है और 1/100 करके किया है, तो वो थोड़ा उसके एरर की वजह से आपको, आप कैलकुलेशन देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी जो कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो तो करेक्ट है, 6/12, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये जीरो, ये जीरो गया, ये जीरो, ये जीरो गया, 6 × 1 = 6 और ये 6 × 2 = 12 और 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10 और ये 3 × 0 तो 5,000। तो इस तरीके से ये 5,000 इस पे है, टोटल आप इनको करते हो, टोटल 65,050 एंड 5,000 को तो 70,050 आता है, ठीक है, 70,050। अब ये मत सोचना यहाँ पे भी तुम इस, यहाँ पे जो आपका, हाँ 70,050, तो ये जो 70,050 है वो आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे 70,050 ये बुक्स का है, तो आप यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन लिख लोगे, टोटल आपने ले लिया तो आपको कंफर्टेबल भी हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने में, राइट। और फिर बाद में आपको क्या करना है, इनको माइनस करना है, और माइनस करने के बाद में जो आपका बैलेंस आएगा वो आएगा 6,80,450, इस तरीके से इसको लिख लोगे, ठीक है। और ये वाला आपको कहाँ दिखाना है, एक्सपेंडिचर के अंदर में टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, तो आउटर कॉलम में आप दिखा दोगे 70,050 रुपीज, तो इस तरीके से ये। फिर अभी नेक्स्ट आपको यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन आपको क्या बोला गया, नेक्स्ट आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर पे, तो फर्नीचर का सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 8.5% बोला,
पर एनम, हाँ पर एनम पूरे साल के लिए। यहाँ पे भी क्या है, फर्नीचर नया भी खरीदा गया है, पुराना भी है, तो पहले फुल ईयर का, फॉर फुल ईयर, फुल ईयर का कितना आएगा, 50,000 पे मल्टीप्लाई बाय 8.5/100 आपको करना है। तो आपकी, आपको ये डेसिमल हटाने के लिए मैंने बोला था कि आप डेसिमल हटा के कर सकते हो, तो ये डेसिमल को पहले हटा लो। डेसिमल को यहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे फिर, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है, वन सिंगल डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, इसलिए 10 आप नीचे ऐड कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से 10 ऐड कर दे, अभी 30, और यहाँ से ये 30 आपने क्या किया, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, ये 00 हटा दिया आपने, तो अभी आपके पास क्या बचा, 85। आपका ये जो 85 मल्टीप्लाई बाय आप 50 करोगे तो फिर आपको 4250 आएगा, 4250 आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये देखो ना, जीरो यहाँ पे और 5 5 25 का 5 कैरी ओवर 2 किया और 8 5 40 42 राइट, 8 5 40 + 2 आपको करना है तो 42 इस, तो ये 4250 मतलब 4250 आपका फर्स्ट इस पे आया। फिर जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो फर्नीचर आपका खरीदा है, नया परचेसेस हुआ है राइट फर्नीचर, तो वो परचेसेस आपका कब हुआ, जुलाई मंथ में हुआ है, कब हुआ है, जुलाई मंथ में, तो जुलाई मंथ में हुआ तो उसके लिए आपको 9 का कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन में एरर, मतलब ये जो सॉल्यूशन दिया है ना आपके पीडीएफ के, उसमें तो वहां पे भी एरर है, वहां पे ऐसे लिख रखा है कि 8.5% का डेप्रिसिएशन फॉर 6 वो 6 नहीं है एक्चुअली, वो 9 है, कैलकुलेशन की वहां पे बराबर 9/12 की है, लेकिन यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखने के टाइम पे उन्होंने गलत लिख रखा है, तो वो आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। आप जब काउंटिंग करोगे जुलाई से लेके 31 मार्च तक है ना, 9 होते हैं ना कि 6, ठीक है, तो डेट के हिसाब से आपको ध्यान से जाना है। तो 30,000 के ऊपर आपको मल्टीप्लाई बाय 8.5/100 और उसको मल्टीप्लाई बाय आप 9/12 करोगे, तो यहां से पहले डेसिमल हटा दो और एक जीरो नीचे कर दो, तो ये 30 और यहां से ये 30 चले गए। ठीक है, फिर 9 3 3 9 3 4 12, ठीक है, इस तरीके से आप फिर इन सबको जब मल्टीप्लाई करके डिवीजन करोगे तो फिर आपको क्या होगा, 1912.5 आता है, 0.5 आता है, आप इसको राउंडेड करके 1912 कर लो। ठीक है, राउंडेड करके आप कभी वन, आप चाहिए तो 1.3 भी कर सकते थे, उसका कुछ नहीं होता, यहाँ पे 1.3 करते तो उसका डिप्रेसिएशन का इफेक्ट आपका एक्सपेंडिचर में भी जाता, तो वहां पे 1 रुपया इंक्रीज होके, मतलब कम होके आपको है ना बैलेंस उधर दिखाई देता, 1 रुपीज का कम आपको सरप्लस आता, और फिर यहाँ पे भी आपका 1 ज्यादा माइनस होता तो वो आपका है ना बैलेंस शीट जब आप टैली करते तो वो आपका थोड़ा सा इसमें से डिफरेंस आता, जो आपके सोल्यूशन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना इलस्ट्रेशन, उससे बस उतना 1 रुपये का फर्क आता, तो उस वो कोई मेजर पार्ट नहीं है। आप अगर 1.1912 के बदले 1913 करते तो भी चल जाता है। तो यहाँ पे आपका टोटल जब आप करते हो 4250, ठीक है, प्लस आप 1912, ठीक है, वो टोटल करोगे तो आपको कितना आएगा, 6162, ठीक है, तो 6162 आप कहाँ पे दिखाओगे, फर्नीचर में से यहाँ पे माइनस करना है, माइनस डेप्रिसिएशन और इसका आप माइनस कर दोगे 6162 और आप माइनस करोगे तो आपको 73,838 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये अमाउंट आएगा। अभी आपको क्या करना है, ये वाला डेप्रिसिएशन आपको अभी दिखाना है कहाँ पे, आपके इसमें एक्सपेंडिचर के अंदर में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आउटर कॉलम में दिखा दो, 6162 इस तरीके से दिखा दोगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको एडजस्टमेंट में यहाँ पे क्या बोला है, क्या करने के लिए बोला है आपको, नेक्स्ट 50% ऑफ एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करने बोला है, राइट, तो आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस 50% कैपिटलाइज्ड, क्या लिखोगे, कैपिटलाइज्ड, तो इसका 30,000 का आधा क्या होता है, 50% क्या होता है,
इफ यू वांट मी टू शो, तो देखो 50% ऑफ 30,000 वर्किंग नोट. थर्ड 50% ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड. तो एंट्रेंस फीस कितना है? 30,000 रुपीज, राइट. तो आप 30,000 को मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100 करो, परसेंट का मतलब, ठीक है. ये जीरो यहाँ से गया, यहाँ से जीरो गया, यहाँ से जीरो गया, यहाँ से जीरो गया, ठीक है. अभी ये 3 0 एज इट इज लिख लो, 3 0 और 5 3 15 होता है, तो ये 15,000 हो गया. तो 15,000 आपका कैपिटलाइज होगा, मतलब यहाँ से माइनस करना है आपको 15,000 एंट्रेंस फीस के, यहाँ से माइनस करके आउटर कॉलम में नेट 15,000 हो. और ये 15,000 का सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ पे दिखाना है? कैपिटल फंड में ऐड करना है, ऐड एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड. ये कैपिटलाइज्ड हुई है, मतलब इसको हमने कैपिटलाइज्ड किया है. कितना? 15,000. इस तरीके से इसका दिखा दोगे. उसके बाद में आपको नेक्स्ट है ना, फोर्थ वाला एडजस्टमेंट है. उसमें क्या बोला है आपको कि लाइब्रेरी हैड 2,000 मेंबर्स. तो यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट दिखाती हूँ. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय सब्सक्रिप्शन paid by each will be equals to किसके होगा? equals to total subscription. ये कितना होगा? total subscription के equal होगा, right? ये ऐसे स्टेटमेंट आपको कोई लिखना कंपलसरी नहीं, मैंने दिखाया है कि क्या है ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है. तो आपको टोटल मेंबर्स कितने हैं, यहाँ पे 2000 बोला है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय आप कितना, वो ईच पर्सन ने, मतलब ईच ने कितना 100 रुपीज दिया, तो आपका 2 लाख रुपीज क्या होता है? टोटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए करंट ईयर का. अब आप देखो 2 लाख टोटल सब्सक्रिप्शन, आपको यहाँ पे 2 लाख दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ पे 1,80,000 एंड 3,000 दिखा रहे, मतलब टोटल आपका आउटर कॉलम में टोटल कितना होना चाहिए एक्चुअल में? यहाँ पे आपके आउटर कॉलम में टोटल 2 लाख का आपको रिसिप्ट होना चाहिए करंट ईयर का. 2 लाख नहीं है ना, नहीं है, मतलब ये 1,83,000 माइनस 2 लाख करोगे तो मतलब जो नेट कितना आपका 17,000 जो आपका अभी भी बाकी है उसको हम आउटस्टैंडिंग करके ले लेंगे. ये कैसे आया आपका? इन दोनों को, ये दोनों का सम अप माइनस ये किया आपने 2 लाख, तो 2 लाख माइनस ये जो यहाँ पे जो हमने टोटल करके रखा है, माइनस 1,83,000 जो अभी आपको दिखाई दे रहा है आपके इनकम के अंडर में, तो आपने माइनस करने पे आपको टोटल 17,000. तो ये 17,000 आपका आउटस्टैंडिंग हो गया. क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया. तो इस तरीके से आपको खुद से, इन्होंने बोला नहीं, आपको फाइंड आउट करना है और लिखना है, निकालना है, मतलब आपका टोटल 2 लाख होना चाहिए, लेकिन रिसीव कितना हुआ अभी तक? 1,83,000 ही रिसीव हुआ है. तो 17,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग है. तो यहाँ पे आप अभी इसका आउटस्टैंडिंग करके दिखाओगे और फिर उसका सेकेंड इफेक्ट भी आपको दिखाना है, एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, ठीक है. ये आपको इस तरीके से बैलेंस पता चल जाएगा. इसका सेकेंड इफेक्ट एसेट्स में दिखाना आपको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ऐसे दिखा देंगे. फिर बाद में नेक्स्ट आपको क्या बोला, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स. तो वो क्या होता है? अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प बोला तो आपका क्या है? वो क्लोजिंग है. सॉरी, तो क्लोजिंग को हम माइनस करते हैं, ऐड नहीं करते हैं. क्लोजिंग को हम क्या करेंगे? माइनस करना है हमको, डिडक्ट करना है. तो हमको कंज्यूम्ड मिलता है, वो बचा हुआ है भाई, उन्होंने उनको यूज नहीं किया. अनयूज्ड मतलब क्लोजिंग माइनस अनयूज्ड मटेरियल, ये पोस्टेज स्टैम्प्स. अनयूज्ड को हमको माइनस करेंगे 200 को, ठीक है. तो यहां से फिर जो यूज्ड है वो 1,800 यहाँ पे आउटर में दिखेगा, और ये 200 हमको क्लोजिंग करके यहाँ पे भी दिखाना है. क्लोजिंग जिसको आप अनयूज्ड वर्ड यूज कर सकते हो, और इसमें भी दिया हुआ है अनयूज्ड क्लोजिंग पोस्टेज स्टैम्प. तो इस तरीके से सारे इफेक्ट वन बाय वन हमने दिखा दिए, एडजस्टमेंट सारे हमारे हो गए. अब आई टोटल की बारी. तो
पेंसिल से दोनों भी साइड का टोटल देखेंगे कि कितना आता है इनकम का। जब हम टोटल करते हैं दोनों साइड में इनकम का टोटल करते हैं तो यहाँ पे 2,32,000, क्योंकि 2 लाख प्लस 15,000, 2,15,000 एंड 2,17,000 प्लस 10 करेंगे तो 2,27,000, प्लस 5 करेंगे तो 2,30,000 आता है, 32,000 आता है। तो यहाँ पे पेंसिल से हम लोग 2,32,000 लिख के रख लेते हैं। और अभी उसके बाद में हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर के साइड में कितना आ रहा है, तो लेट्स सी, चेक करते हैं। तो यहाँ पे जब आप टोटल करते हो इनका पेंसिल से, जब आप टोटल करोगे इसको पेंसिल से टोटल करोगे तो ये यहाँ पे आपका टोटल करने पे 1,26,012 आना चाहिए। तो आप टोटल करोगे तो 1,26,012, तो इसका मतलब ये साइड आपका क्या हो रहा है, लेस आ रहा है कंपेरेटिव टू आपका 2,32,000। तो आप क्या करोगे, 2,32,000 माइनस, आपको क्या करना है, आपको माइनस करके फाइंड आउट करना है कि कितना आपका डिफरेंस आ रहा है। तो 2,32,000 माइनस आप 1,26,012 करोगे तो फिर आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 1,05,988 आएगा। तो ये जो है ये आपका क्या हुआ, सरप्लस हुआ। तो इसका मतलब आपका कौन सा साइड मोर है, आपका रिसिप्ट साइड मोर है, मतलब जो इनकम साइड आपका जो रिसिप्ट हुआ है वो ज्यादा है 2,32,000। तो ये सेम आप ये साइड में भी इसका बैलेंस यहाँ पे लिख लोगे 2,32,000। फिर इसका बैलेंसिंग फिगर जो आपने पेंसिल से यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, निकाला है माइनस करके 1,05,988, जो कि आपका क्या है, आपका सरप्लस है। तो इधर आप क्या लिखोगे, टू सरप्लस। और ये कब होता है, एक्सेस ऑफ इनकम, जब एक्सेस होती है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये आपके ट्रू एंड फॉल्स फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1,05,988 को आप कहाँ पे लिख लोगे, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, सरप्लस करके आप कैपिटल फंड में सरप्लस करोगे आप। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 1,05,988 लिखोगे। और जब इन सबको आप टोटल करोगे, यहाँ पे आप इस सबको टोटल करने पे आपको 8,80,988 आएगा। तो मतलब आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में है ओनली 8,80,988। तो आप एसेट्स को भी जब क्लोज डाउन करोगे, सब टोटल करोगे, सम अप करोगे, तो आपका एसेट साइड में भी कितना आ जाएगा आपके पास, 8,80,988। तो इस तरीके से ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्व किया है। इससे रिलेटेड आपके अगर कोई भी डाउट हो, अगर डाउट होगा तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा खाली मेंबर्स सब्सक्रिप्शन, तो इसके लिए आपको यहाँ पे याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय ईच मेंबर से कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव होने वाला है, वो मल्टीप्लाई करने के बाद में वो करंट ईयर का जो टोटल सब्सक्रिप्शन पता चलता है। तो अगर उसमें कोई डिफरेंस अराइज होता है तो वो डिफरेंस आपको एज अ आउटस्टैंडिंग शो करना है, और फिर उसका आपको इफेक्ट है ना एसेट्स के अंडर में भी शो करना है। तो इस तरीके से ये जो सॉल्यूशन है हमने इलस्ट्रेशन, और आप अपने उसमें टेक्स्ट बुक में इसका जो प्रॉब्लम अराइज हुई है वहां पे जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वगैरह में जहां पे 5,000 है लेकिन आपके सॉल्यूशन में 10,000 दिया है, तो उस पर भी आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, तो वो आपको ध्यान रखना कि वो 5,000 ही है, उसको टोटल आपका 2,32,000 आना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड, इस सम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है, आप थोड़ा कैलकुलेशन अपना क्विक करने के लिए आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। अब मैं तो अभी तक तो मैं आपको बहुत धीरे धीरे सब एडिशन सब्ट्रैक्शन सब बता रही हूँ, बीच में मैं क्विक भी जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सब छोटे छोटे बताते रहूँगी तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है, इसके लिए वो अवॉइड करने के लिए मैं फिर क्विक भी कभी कभी जा रही हूँ। तो आपको मैं मेथड तो शो कर रही हूँ कि आप किस तरीके से जा सकते हो, कैसे टोटल कर सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।